हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हम दोबारा से लेके आ चुके हैं आपके लिए माइनक्राफ्ट का शेडर BSL 2 कॉपी। भाई बिल्कुल 2 कॉपी है आपको, इसलिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जाके डाउनलोड कर लो शेडर, डायरेक्ट लिंक है मीडिया फायर की विदाउट एनी पासवर्ड। तो गाइस इस बात पर लाइक कर देना। और ये वर्जन आपका 1.19 में नहीं चलेगा, जिस वर्जन में भी चलेगा माइनक्राफ्ट के, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे, वो डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट बॉक्स में पिन हुई है वाला माइनक्राफ्ट का वर्जन भी जाके डाउनलोड कर लो। और वो कौन सा वर्जन में वो अभी बता दूंगा। और हाँ गाइस, इस पर क्या करना है आपको, पहले आपको एडजस्ट करनी सिखा देता हूँ मैं आपको। ये शेडर होगा, आपको इस पर एरो पे क्लिक कर देना, फिर आपको माइनक्राफ्ट जैसे स्टार्ट होगा, ये देखो माइनक्राफ्ट स्टार्ट हो रहा है। और मैं अभी आपको वर्जन दिखा दूंगा कौन सा माइनक्राफ्ट का वर्जन है, ये रहा 1.18.12 वर्जन है। गाइस ये वर्जन को आपको डाउनलोड कर लेना है, कमेंट बॉक्स में पिन हुई लिंक है इस माइनक्राफ्ट के वर्जन की भी लिंक विद शेडर की लिंक। तो गाइस शेडर को आप ऐसे ओपन कर लोगे ये वाले माइनक्राफ्ट के वर्जन में, फिर आपको कोई सा क्रिएट वर्ल्ड कर लेना है या फिर जो भी आपका वर्ल्ड है उस पर चले आना है। फिर आपको रिसोर्स पैक में आना है, ये रहा SEUSPIGI भाई क्या बोल दिया ये, जो भी है फिर आपको इसको स्टार्ट कर लेना है। तो गाइस आप प्रीव्यू देख लो, अच्छा लगे तो कमेंट में बता देना, अच्छा नहीं लगता है तो बता देना कौन सा शेडर चाहिए। तो गाइस आप प्रीव्यू देख लो। उम्मीद आपको शेडर बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो जाके डाउनलोड कर लो माइनक्राफ्ट का वर्जन भी और शेडर भी। तो गाइस इसकी रिक्वायरमेंट की बात आती है, तो रिक्वायरमेंट वर्जन तो बता ही दिया, ये बिना लैग के चलेगा, 2GB रैम का प्रीव्यू था। तो गाइस आप सोच सकते हो कितना मक्खन चला था 2GB रैम में भी, तो आपके डिवाइस में अगर 3GB या 4GB तो क्या ही चलेगा। और 11 शेडर चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे चल रहा है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जाके डाउनलोड कर लो कोई सा भी शेडर, बहुत अच्छे सारे शेडर। मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।